नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी संपत्ति, डेयरी फार्मिंग के लिए किसानों को मिलेगा बिना गारंटी लोन। ओरियन क्रॉप सॉल्यूशन पर धानुका द्वारा आयोजित हुआ वेबिनार, वन किल प्रोडक्ट पर हुई चर्चा। 5 लाख से अधिक किसानों को सूखा जैसे हालातों से मिलेगी राहत, सोलर पंप से दूर होगी समस्याएं। कर्ज के जंगल में फंसे पंजाब के किसान, इस वजह से नहीं चुका पा रहे लोन। सिंचाई की टेंशन खत्म, छोटे बड़े तालाब बनवाने पर सरकार दे रही इतनी सब्सिडी, जल्द ही करें आवेदन। यहां आप रजाई में बैठे हैं, वहां लद्दाख में जीरो तापमान में भी सब्जियां उगा रहे किसान। बर्फीले मौसम में कैसे जगा खेती का जज्बा। पशुओं के बीमार होने, चोट लगने का ख्याल रखता है ये क्रेडिट कार्ड, मिलते हैं लाखों रुपए। कुक्कुट पालकों के लिए खुशखबरी, अब फ्लू और संक्रमण से नहीं मरेंगी मुर्गियां, आ गया नया वैक्सीन। 11वीं के छात्र ने बनाई अनोखी मशीन, मीठों में होती है गाजर मूली की सफाई। महाराष्ट्र में 33,000 किसान नहीं उठा पाएंगे 23वीं किस्त का लाभ। इस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मंजूर किए 367 करोड़ रुपए, उठाए योजना का लाभ। खुशखबरी, महाराष्ट्र में धान की खेती करने वाले किसानों को मिलेंगे 30,000 रुपए, सीएम ने किया बड़ा ऐलान। अमित शाह ने इस राज्य में मेगा डेयरी का किया उद्घाटन, रोज 10 लाख लीटर दूध होगा प्रोसेस। 2 दिन में मिल जाएंगी नैनो डीएपी की ऑफिशियल मंजूरी, रेगुलर खाद के मुकाबले आधी होगी कीमतें। जयपुर के किसान के लिए चीकू की खेती बनी फायदे का सौदा। अब खबरें विस्तार से। ग्रामीण इलाकों के लिए डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय सबसे ज्यादा मुफीद बन जाता है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी किसानों को आर्थिक मदद देती है। किसानों को इसके लिए सरकार से आसानी से लोन भी मिल जाता है। भारतीय स्टेट बैंक भी किसानों को डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन देती है, और इसके लिए आपको भारतीय स्टेट बैंक की नजदीकी शाखा से संपर्क करना होता है। इस लोन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसानों को इसके लिए अपनी कोई संपत्ति गारंटी के तौर पर गिरवी नहीं रखनी पड़ती। बैंक ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम मशीन खरीदने के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक लोन देता है। डेयरी भवन निर्माण के लिए 2 लाख रुपए, दूध ढोने वाली गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख रुपए, और वहीं दूध को ठंडा रखने वाली लीचिंग मशीन लगाने के लिए 4 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। ये लोन 6 महीने से लेकर 5 साल तक में वापस करना होता है। इस लोन की खास बात यह है कि इसे लेते वक्त किसानों को कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। बैंक दूध इकट्ठा करने के लिए भवन निर्माण, ऑटोमेटिक मिल्क मशीन, मिल्क कलेक्शन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट के लिए उपयुक्त गाड़ी खरीदने के ब्याज पर 10.85 की प्रतिशत से शुरू होती है, जो कि अधिकतम 24% तक जाती है। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड द्वारा प्याज की फसल में खरपतवार प्रबंधन विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का मकसद किसानों को प्याज की फसल में खरपतवार प्रबंधन के प्रभावी तरीकों से अवगत कराना था। साथ ही इस वेबिनार में धानुका के वन किल प्रोडक्ट के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इस वेबिनार में धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के चीफ मार्केटिंग मैनेजर सुबोध कुमार गुप्ता, आर के धुड़िया SME यूपी वेस्ट एंड सेंट्रल राजस्थान और उत्तराखंड, रमेश राठौर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट प्लांट प्रोटेक्शन कृषि विज्ञान केंद्र अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन अंबुजा नगर कोदिना डिस्ट ग्रीन सोमनाथ, और तो वहीं खाड़े योगेश पोपट ICAR डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च राजू नगर पुणे शामिल रहे। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अब राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की स्कीम्स को लागू करने में रुचि दिखाई है, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या फिर किसान क्रेडिट कार्ड। केंद्र सरकार की ऐसी ही योजनाओं ने खेती को और भी ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है, और इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार भी 5 लाख किसानों को लाभान्वित करने की योजना बना रही है। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 5 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। विधानसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी CM फडणवीस ने कहा कि ऐसे सोलर पंप की स्थापना करके किराए या पट्टी की जमीन से भी किसानों को अच्छी आमदनी लेने में मदद दी जाएगी। विधानसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि विदर्भ के किसानों को प्राथमिकता में सोलर कृषि पंप और बिजली कनेक्शनों का आवंटन किया जाएगा। इस मामले में लंबित पड़े आवेदनों को मार्च साल 2023 तक मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने पर 90% सब्सिडी दी जा रही है। इस साल खेती पर मौसम की अनिश्चितता हावी रही।
भारी बारिश के कारण असम और उत्तर प्रदेश के बाद अब पंजाब में भी भारी नुकसान हुआ। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों से पता चला है कि पंजाब में करीब 82,727 हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसका सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। अब आलम यह है कि ज्यादातर किसान परिवारों पर 2 लाख से भी अधिक का लोन है, जिसे अब कर्जदार किसान चुकाने में असमर्थ है। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी और बताया कि कृषि परिवारों की स्थिति आकलन और सर्वे के अनुसार पंजाब के किसान परिवार औसत कर्ज के मामले में 3rd नंबर है, जबकि यहाँ के हर किसान परिवार की मासिक आय नेशनल लिस्ट में 2nd नंबर पर है। अब पंजाब का नाम आते ही लोगों के दिमाग में हरियाली से भरपूर खेत खलिहान और आत्मनिर्भर खुशहाल किसान की तस्वीर छप जाती है। इस राज्य ने फसल उत्पादन में कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं, लेकिन अब यहाँ के किसान कर्ज के जंजाल में फंसते जा रहे हैं। राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों की माने तो देश में औसत राशि 74,121 की तुलना में पंजाब के किसान परिवारों पर 2 लाख रुपए का लोन बकाया है। रबी सीजन चल रहा है, किसान खेतों में फसलों की बुवाई कर रहे हैं। खरीफ सीजन में सूखे की मार से किसान परेशान हो गए हैं। सबसे खराब हाल छत्तीसगढ़ बिहार में देखने को मिला है और यहां सिंचाई न मिलने के कारण किसानों की फसलें ही सूखकर दम तोड़ने लगी है। राज्य सरकार सिंचाई के सही इंतजाम के लिए हर संभव कदम उठा रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी काफी जिले ऐसे हैं जहां पर सही समय पर सिंचाई होना किसान के लिए एक सपना है। उत्तर प्रदेश सरकार इसी सपनों को साकार करने में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार किसानों को खेत में तालाब बनवाने के लिए 50% तक की सब्सिडी देगी। किसान तालाब बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं और विशेष बात तो यह है कि सिंचाई के अलावा मछली पालन भी यहां किया जा सकता है। इससे किसानों की अतिरिक्त इनकम डबल होगी। देश के ज्यादातर इलाकों में अक्टूबर नवंबर आते ही सर्दियों का भी आगाज हो जाता है और उत्तर भारत में दिसंबर आते आते शीतलहर और गलन हो जाते हैं। खेतों में कोहरा पाला पड़ने लगता है। बिना मौसम की परवाह किए किसान भी अपने खेतों में कृषि कार्य करते रहते हैं ताकि परिवार की आजीविका चल सके और देश की खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। दिसंबर जनवरी के बीच सर्दियां अपने चरम पर होती है और कई इलाकों में ओले और बर्फबारी होती है। तापमान लगभग 0 पर पहुंच जाता है। लद्दाख जैसे इलाकों में भी तापमान माइनस होता है और इस तापमान में जीवन कितना बेहाल हो जाता होगा आप खुद सोच कर देखें। लेकिन मौसम की इन चुनौतियों के बावजूद भी लद्दाख के किसान बिना किसी आराम के सब्जियां उगा रहे हैं। ये उनके परिवार का पेट भरने के लिए भी जरूरी हो गया है और अच्छी बात तो यह है कि किसान माइनस तापमान में भी कंफर्टेबल होकर खेती कर रहे हैं। ये कोई अजूबा नहीं बल्कि किसानों की इच्छा शक्ति और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एटिलिटीज रिसर्च की नायाब तकनीक सोलर ग्रीन हाउस है, जिसने बर्फीले तापमान के बीच खेती किसानों को कई गुना आसान बना दिया है। तो वही भारत के सभी राज्यों में पशुपालन संबंधी गतिविधियों से जुड़े लोग रहते हैं और कुछ निजी तौर पर पशु पालते हैं तो कुछ कमर्शियल लाभ लेने के लिए भी पशुपालन करते हैं। हाल ही में लंपी वायरस के चपेट में आकर देश में हजारों पशुओं की मौत भी हो गई। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने पीड़ित किसानों की मदद भी की और केंद्र सरकार ने पशुपालन के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी। किसान इसका सही उपयोग कर पशु की मौत होने के अलावा बीमार होने चोट लगने तक का ख्याल रख सकते हैं। केंद्र सरकार देश में पशुपालन को लगातार बढ़ावा दे रही है और इसके लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। क्रेडिट कार्ड से पशु की मौत होने पर बीमार होने पर और चोट लगने जैसे अन्य तरीकों की परेशानी होने पर भी लाभ लिया जा सकता है। पशुपालन को कमर्शियल तौर पर करने वाले पशुपालक इसका सही लाभ ले सकते हैं। पोल्ट्री बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब उन्हें मुर्गियों में बार बार फैलने वाले फ्लू से जल्द ही निजात मिलने वाली है। दरअसल भारत के प्रमुख पशु स्वास्थ्य सेवा कंपनी में से एक हेस्टर बायोसेंसेस लिमिटेड मुर्गी पालन के लिए कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा निष्क्रिय टीका विकसित करेगा और खास बात तो यह है कि हेस्टर इस टीके का प्रोडक्शन कमर्शियल रूप से करने के लिए और स्वदेशी रूप से विकसित करने की तकनीक प्राप्त करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के साथ एक समझौता किया है। वहीं एक सरकारी संस्था एग्रोनोवेट का कहना है कि स्थानीय रूप से निर्मित वैक्सीन ने लैब में बांझपन सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के परिणाम पास कर लिए हैं। इसने आगे कहा कि ये टीकाकरण मुर्गियों में 6 महीने तक के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ा देगा। साथ ही एग्रोनोवेट ने कहा कि आवश्यक क्षेत्र अनुसंधान पूरा करने और नियमित अनुमति प्राप्त करने के बाद हेस्टर साल 2030 के अंत तक इसे वैक्सीन का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देगा।
प्रतिभा के लिए उम्र मायने नहीं रखती। छोटी उम्र में भी यदि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सही माहौल और सुविधा मिले तो वो अपनी मेहनत और लगन से देश और दुनिया में रोशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के छात्र ओरम सिंह ने भी सब्जी धुलने वाली मशीन का आविष्कार किया और इस मशीन की खास बात यह है कि इससे न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि पानी की बर्बादी भी बच जाती है। रुनारक इंटर कॉलेज में 11वीं के छात्र ओरम सिंह ने सब्जी धुलने वाली मशीन बनाकर सबको हैरान कर दिया है और इस मशीन की सहायता से किसान आसानी से अपनी सब्जियों को धो सकते हैं। खास बात तो यह है कि इसके प्रयोग से पानी का भी नुकसान कम होगा। आपको बता दें कि हाल ही में मिर्जापुर की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने भी ओरम सिंह को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया था। इस मशीन के लिए प्रतिष्ठित IIM अहमदाबाद की तरफ से ओरम को पुरस्कृत भी किया जा चुका है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में 33,000 से अधिक किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए अब तक EKYC के तहत भूमि रिकॉर्ड का आधार से लिंक नहीं करवाया है। दरअसल एक अधिकारी ने एक जानकारी दी और उन्होंने बताया कि आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अधिकारी के मुताबिक जिले के 2,688 किसानों ने योजना के लिए आवश्यक आधार लिंक कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर तक 33,477 किसान ऐसे थे जिन्होंने अपनी भूमि दस्तावेज और आधार की जानकारी लिंक नहीं कराई थी। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत साल में 3 किस्तों में 2,000 रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे जाते हैं और अब इन किसानों पर योजना से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है। अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 2,62,365 किसान योजना का लाभ हेतु अहर्ता रखते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाली ओडिशा कैबिनेट ने राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए 367.19 करोड़ रुपए मंजूर कर दिया है और खास बात यह है कि कैबिनेट ने साल 2022 और 23 से साल 2026 और 27 तक राज्य क्षेत्र योजना कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण और महिला SHG के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये राशि जारी की है। दरअसल नवीन पटनायक सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तभी जाकर प्रदेश का विकास होगा और पुरुषों की तरह महिलाएं भी हमेशा खेती में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। ऐसे में महिलाओं का सशक्तिकरण परिवारों, समुदायों और देश के स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। यदि महिलाएं भी आत्मनिर्भर और संबल बनेंगी तो उनका परिवार भी खुशहाल रहेगा। तो वहीं एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि महिला लाभार्थियों WSHG को शामिल करते हुए क्षेत्र विस्तार के माध्यम से राज्य भर में मशरूम उत्पादन को दोगुना करने और बटन मशरूम और खुले फूलों के उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल राज्य सरकार ने धान की खेती करने वाले किसानों को बोनस देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसानों को बोनस देगी। वहीं इस खबर से किसानों के बीच खुशी की लहर है और खासकर सीमांत किसानों का कहना है कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के हित में ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। अब बोनस की रकम से छोटे किसान समय पर जरूरत के हिसाब से उर्वरक खाद खरीद सकेंगे। ऐसे में अगले कृषि सीजन में उनकी फसल भी अच्छी होगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में भाषण के दौरान ये निर्णय लिया और उन्होंने ये ऐलान किया कि प्रदेश सरकार ये कदम किसानों के हित में ले रही है। साथ ही उन्होंने इससे प्रदेश के करीब 5,00,000 किसानों को भी फायदा होगा ये बताया और उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने 2 हेक्टेयर तक के धान पर 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देने का निर्णय लिया है। इस दौरान उन्होंने राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन करने की घोषणा की। ये परिषद महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर इस परिषद का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या जिले में 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में 1975 में प्रतिदिन 66,000 किलो दूध प्रोसेसिंग किया जाता था और आज प्रतिदिन 80,00,000 किलो मिल्क प्रोसेस किया जा रहा है और खास बात तो यह है कि कुल टर्नओवर का 80% किसान के हाथ में है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि गुजरात में श्वेत क्रांति ने किसानों की किस्मत बदल दी और अमूल के माध्यम से लगभग 36,00,000 महिलाओं के बैंक अकाउंट में सालाना 60,000 करोड़ रुपए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे कर्नाटक के सभी किसानों को और बहनों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अमूल और नंदिनी मिलकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी स्थापित करने की दिशा में काम करेंगे और 3 साल में कर्नाटक में एक भी ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ प्राइमरी डेयरी नहीं होगी।
किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बहुचर्चित नैनो डीएपी की आधिकारिक मंजूरी अगले एक से दो दिनों में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने सुझाव दिया कि एक वर्ष के लिए स्थायी रूप से जारी किया जाए। वहीं जानकारों का कहना है कि नैनो डीएपी के मार्केट में आने से किसानों को काफी फायदा होगा, उनका फर्टिलाइजर पर होने वाला खर्च भी आधा हो जाएगा। तो वहीं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी और बताया कि जैव सुरक्षा और टॉक्सिसिटी टेस्ट से पता चला है कि नैनो डीएपी सुरक्षित है। ऐसे में इसकी अंतिम मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इफको और कोरोमंडल इंटरनेशनल दोनों ने नैनो डीएपी को मंजूरी दे दी है, क्योंकि ICAR ने कहा कि एक साल के लिए मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार किसानों को नैनो डीएपी का व्यावसायिक रूप से खेत में उपयोग करने देगी या इसका उपयोग केवल बीजों के लिए ही किया जाएगा। चीकू बहुत मीठा और स्वादिष्ट फल है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है। भारत में भी इसकी खेती खूब हो रही है, लेकिन इसका जन्म स्थान मेक्सिको और मध्य अमेरिका माना जाता है। चीकू की खेती से किसान काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गुजरात के कच्छ में भी बड़े पैमाने पर चीकू की उन्नत खेती की जाती है। तो वहीं अब राजस्थान के जयपुर जिले के किसान गणेश कुमार ने बड़े पैमाने पर चीकू की खेती की है। आइए जानते हैं कि उन्हें इस खेती से कितना लाभ हुआ। और मैंने नर्सरी कर रखी है गणेश नर्सरी के नाम से। मैंने ये चीकू के पौधे 2015 में लगाए थे। इनमें काफ़ी अच्छा लगा कि ये चीकू के पौधे आराम से सेटल हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट में, और बाकी सर्दी वगैरह ऐसा कुछ ही नहीं लगता इनमें। बहुत ही कम कीट का इफेक्ट पड़ता है इस पर। सर, ये कौन सी वेराइटी लगा रखी है आपने? चीकू की काली पत्ती वेराइटी है। इसमें कुछ ये से पत्तियों में आता है, बाकी इसे पत्तियों में भी आता है, वो कोई ज़्यादा रोग नहीं है। ऐसा ही कुछ रोग आता है इसमें, मतलब पत्ती में जो मकड़ी होती है उसको खराब कर देती है। हाँ, बस पत्ते को खराब करती है, बाकी फल को नहीं करता इतना कुछ खराब। फल बिल्कुल सुरक्षित है? फल बिल्कुल सुरक्षित है, सर्दी भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती, इसको ऐसे आराम से सर्वाइव कर जाता है अपने इलाके में, आराम से सर्वाइव करता है। उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं पहाड़ों पर भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। तो वहीं आज से उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। पश्चिम विक्षोभ से पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है और इससे मैदान के कई इलाकों में बारिश देखी गई है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के मैदानी इलाकों में आज शाम फिर से कुछ बादल दिखाई देने की संभावना है। इसके बाद एक सप्ताह से अधिक समय तक मौसम अच्छा रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में आज यानी कि 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। और अगर प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली के आनंद विहार इलाके में कल शाम 8 बजे के करीब AQI 384 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। और आज FTP ऑर्गेनिक के क्विज कॉम्पिटिशन में आपके लिए सवाल है कि उस फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 गेहूं, नंबर 2 ज्वार, नंबर 3 मक्का और नंबर 4 चावल। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीते FTP ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों नाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।